Hey guys, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Daily Vlogs by Miss Palyas. Yeah, Vlogs by Miss Palyas. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. काफ़ी टाइम हो गया मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी. कुछ ऐसा खास था भी नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं जो है व्लॉग्स वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी. तो फिर आज जो है मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो अपलोड कर ही दूँ. तो फिर जो है मैं यहाँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही थी. तो फिर मैंने जो है कहा इसी को अपलोड कर देते हैं. ये यहाँ जो मैं करूँगी थोड़ा बहुत उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. यहाँ मैंने जो है पहले मसाला वगैरह भून लिया जल्दी से, और उसके बाद जो है आलू मटर गाजर ये विंटर की सौगात है. ये वो वेजिटेबल है जो कि हर किसी को ही पसंद होता है, और इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है. ख़ास कर बिरयानी भाई आलू मटर की बनती है तय वाली, वो माय गॉड बहुत मज़े की बनती है. इसका रिकॉर्ड का कहते हैं चिकन, और इसने तो चिकन और बीफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बहुत मज़े की बिरयानी बनती है. खैर मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी आप सबका पता नहीं है. यहाँ जो है मैंने अपना सालन जल्दी से रेडी कर लिया, और ये रही जो है मेरे सालन की फाइनल लुक. उसके बाद जो है ऑरेंज जूस, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंज जूस, ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी हेल्थ के लिए. और आपको पता है आजकल जो है ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा ही खट्टे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा. मैं तो खट्टे खाती नहीं हूँ. खैर अब इनका क्यों ना इनका जूस बना के पी लिया जाए. तो फिर जो है मैं अपने रूम में आ गई, और मैं यहाँ जो है जूस बना रही थी. मैंने अपने लिए एक ग्लास जो है ऑरेंज का जूस बना लिया, और इसको जल्दी से ग्राइंड करा. और आप स्ट्रेन करके भी पी सकते हो. खैर मैंने जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रेन किया था, पर इसका पानी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई दो नंबर ही जूस पी रही हूँ. तो इसलिए फिर मैंने इसको विदाउट स्ट्रेन किए ही पी लिया. जब देखो एक फ़ायदे की चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर खाली पानी से क्या ही आपको फ़ायदा होगा. और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर जिनको है उनके लिए. मतलब देखो कोई फ्रूट है अगर तो किसी ना किसी फ़ायदे के लिए तो होगा ही ना. और हम लोग हैं कि हम लोग फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन इनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं. उसके बाद मैंने जूस पी लिया, और फिर मैंने अपने रूम की जो है सफाई करनी थी. मैंने जल्दी से अपनी बेडशीट चेंज कर ली. यहाँ आ जाती है मेरी एक नटखट सी प्यारी सी बच्ची जो कि मुझे जलील करके रखती है पूरा टाइम. जब भी आती है कभी यहाँ आ जाएगी कभी वहाँ आ जाएगी, लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है. और ये मुझसे करे ना करे बट मैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ. ये जो है मेरे दिल के बहुत करीब है ये बच्चे. अगर मैं इसे एक दिन भी ना मिलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने पता नहीं, मैं मतलब बहुत उदास ही रहती हूँ यार. मुझे ये बहुत अच्छी लगती है. खैर यहाँ ये हाई भी कह रही, मैंने इसे कहा कि हाई करो. बाकी बहुत सारे काम थे जो मैंने किए उसके बाद रूम साफ करने के बाद, लेकिन वो जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. यहाँ जो है मैं अपनी रात के लिए खाना बना रही थी. खाना मतलब सालन दिन को बना लिया था, और रोटियाँ बनानी थी, चार पांच रोटियाँ बनानी थी, वो मैंने जो है बना ली जल्दी से. फिर बर्तन धो लिए. बर्तन धोने के बाद जो है बस फिर यही काम था, और बाकी जो सारा दिन काम किए वो भी क्या है? एक चीज़ दिखाना है यार. आपको पता है व्लॉग्स बंदा बनाने बैठ जाए ना तो काम भी रह जाते हैं. और शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी व्लॉग्स के चक्कर में ना. अब यार टाइम के साथ साथ आदत हो जाएगी. अब जल्दी बंदा जो काम करने वाला होता है ना, फिर वो आलस के मारे, और मैं अंदर आलस है नहीं, मैं कहती हूँ भाई जो काम करना है वो करना है. और मैं अगर आसपास में भी आलस हो रही हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है. खैर सबकी अपनी अपनी आदत होती है, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है. खैर अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.